नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो पावर सेक्टर से है और जो आपको आने वाले समय में कई गुना रिटर्न दे सकता है। इसका भी करंट प्राइस की बात करते हैं, करंट प्राइस आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है, सिर्फ 20 रुपये में ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। आने वाले समय में ये आपको कई गुना रिटर्न देने के भी चांसेस। स्टॉक का नाम है JP पावर बेंचेस लिमिटेड। इस स्टॉक के आपके डिटेल में जानकारी देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा स्टॉक आने वाले समय में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, क्या प्रमोटर होल्डिंग है, क्या इसका चार्ट पैटर्न है। जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड JP ग्रुप की ये कंपनी है, एक भारतीय कंपनी बिजली कंपनी है। यह बिजली परियोजनाओं की योजनाओं को बनाती है, इसके साथ ही उनके विकास में काम करती है, उन्हें लागू करती है, इसके साथ ही ये और भी चीज़ों में भी अपना संचालन करती है। इसके साथ ही ये सीमेंट पीसने का, कोयला खनन में भी काम करती है, सिविल इंजीनियरिंग का भी निर्माण करती है, बिजली का निर्माण करती है, रियल इस्टेट ऑफ एक्सप्रेस वे में भी काम करती है, अतिरिक्त में की भी करती है, उर्वरक में स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करती है, खेल और शिक्षा में भी काम करती है। JP पावर के यदि प्लांट की बात करते हैं, किस किस जगह पर JP पावर के प्लांट है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग में 400 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है। दूसरा प्लांट JP बीना थर्मल पावर प्लांट। तीसरा प्लांट है सागर MP में 250 मेगावाट। प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड से यदि करंट प्राइस की बात करके, तो इसका करंट प्राइस 22 रुपये है। यदि इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वनडे परफॉर्मेंस में 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न सेल होल्डिंगों को दिया है। 22 रुपये में अभी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में मिल रहा है। आने वाले समय में ये 100+ भी जा सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी क्लियर नहीं होता कि स्टॉक आगे समय में कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। JP पावर शेयर की यदि 1 ईयर की बात करते हैं, तो 1 ईयर में JP पावर स्टॉक ने अपने सेल होल्डरों को 144% का रिटर्न दिया है। यदि आपको 5 ईयर की बात करते हैं, फाइव ईयर में JP पावर स्टॉक ने अपने सेल होल्डरों को 1700% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया, यानी 1700 रुपये से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं स्टॉक उस समय आपको 2 रुपये के आसपास मिल रहा था। यदि इसकी अब करेंट प्राइस की बात करती है, तो 22 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जय प्रकाश पावर शेयर के मार्केट कैप की बात करते हैं, तो इसका मार्केट कैप 15,167 करोड़ का, यानी कि 15,167 करोड़ का। यदि मार्केट कैप की बात करते हो, तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। यदि करंट प्राइस की बात करते हो, तो इसका करंट प्राइस अभी 22 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यदि हाई की बात करते हैं, तो स्टॉक की हाई 24 रुपये का है, और लो की बात करते हैं, तो लो इसने बनाया 8.35 रुपये का। यदि स्टॉक पी की बात करते हैं, तो स्टॉक पी इसका है 9.61। बुक वैल्यू की बात करते हैं, तो 16 रुपये की बुक वैल्यू है। डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड 0% है, कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती। ROC की बात करते हैं, तो 14% का ROE की बात करते हैं, 12.8% की फेस वैल्यू की बात करते हैं 10 रुपये। जय प्रकाश शेयर की यदि पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं, तो इसका पीयर कंपैरिजन है, सेक्टर है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री है पावर जनरेशन एंड सप्लाई। यदि मार्केट के अकॉर्डिंग अगर पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर मार्केट के हिसाब से कौन सी कंपनी आती है, नंबर 1 पे आती है NTPC शेयर। यदि मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, तो NTPC सबसे नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 पे आता पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, नंबर 3 पे आता अदानी ग्रीन, नंबर 4 पे आता अदानी पावर, नंबर 5 पे आता टाटा पावर कंपनी, नंबर 8 पे आता जय प्रकाश पावर वेंचर शेयर। आप देख सकते हो मार्केट के अकॉर्डिंग कौन से पोजीशन पे कौन सा शेयर। JP पावर की यदि कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करते हैं, तो 10 ईयर में 9% की सेल ग्रोथ थी, 5 ईयर में 12% की सेल ग्रोथ थी, 3 ईयर में 27% की सेल ग्रोथ थी,
उसके बाद TTM की बात करते हैं तो 20% की। यदि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 ईयर में कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट थी 460% की, 5 ईयर में थी 40% की, 3 ईयर में थी 98% की। और TTM की बात करते हैं तो TTM में इसकी परफॉर्मेंस है 21,842% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 ईयर में 6% की थी, 5 ईयर में 79% की, 3 ईयर में 62% की और 1 ईयर में 141% की। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो 10 ईयर में -3% की थी, 5 ईयर में 0% की थी, 3 ईयर में 5% की थी, लास्ट ईयर में कंपनी की रिटर्न ऑफ इक्विटी है 13% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की। मार्च क्वार्टर 2024 में 24% की, जून क्वार्टर में 24% की, सितंबर 2024 में भी 24% की। FI की बात करते हैं तो FI की होल्डिंग मार्च 2024 में 6.06% की, जून के क्वार्टर में 7.59% की, सितंबर 2024 में 7.78% की। यानी कि DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया था। अब बात करते हैं DIS की। DIS की होल्डिंग मार्च 2024 में 18.46% की, फिर जून क्वार्टर 2024 में 18.18% की, सितंबर 2024 में 18.35% की। अब बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक की होल्डिंग मार्च 2024 में 51.47% की, जून क्वार्टर 2024 में 50.21% की और सितंबर 2024 में 49.87% की। जयप्रकाश पावर सेक्टर की। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं होता है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड या एवरेज करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस से है जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।